हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक टाइप्स ऑफ बोल्ट्स। आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ बोल्ट्स देख सकते हैं, हेक्सागोनल हेड बोल्ट, स्क्वायर हेड बोल्ट, सिलिंड्रिकल हेड बोल्ट, कप हेड बोल्ट, टी हेड बोल्ट, हुक हेड बोल्ट, आई हेड बोल्ट, लिफ्टिंग आई हेड बोल्ट, काउंटर शंक हेड बोल्ट और भी कुछ टाइप्स है बोल्ट्स के। मैं आगे जाके उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं हेक्सागोनल हेड बोल्ट। यहाँ पे आप हेक्सागोनल हेड बोल्ट के तीन व्यू देख सकते हैं। हम आज ड्रॉ करने वाले हैं तीन व्यू। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये बोल्ट क्या होता है। बोल्ट होता है फास्टनर, होता है थ्रेडेड फास्टनर, जिसपे ये बॉडी पे यहाँ पे थ्रेड कट किए रहते हैं और ये बोल्ट से हम अगर ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करने के लिए, असेंबली करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पर इसके साथ होना चाहिए नट, नट होगा तभी हम इससे ज्वाइन कर सकते हैं। नट के सहारे से ही हम बोल्ट से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है बोल्ट, ये सिर्फ टेम्पररी फास्टनिंग के लिए यूज़ होते हैं। टेम्पररी फास्टनिंग का मतलब यहाँ से नट और बोल्ट की असेंबली यूज़ करके अगर हम जॉइंट बनाते हैं तो उसको हम असेंबल और डिसेंबल कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। टेम्पररी फास्टनिंग मतलब क्या, अगर आप देख सकते हैं वेल्डिंग जो करते हैं हम, ये रहती है परमानेंट फास्टनिंग, और स्क्रू और नट बोल्ट असेंबली से जो फास्टनिंग करते हैं वो रहती है टेम्पररी फास्टनिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिखाया है 3D to 4D, ये रहती है बोल्ट की बॉडी और ये जो पोर्शन दिख रहे हैं ये है बोल्ट का हेड। तो हम ये आज सब ये फॉर्मूला यूज़ करके इसको बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहता है 3D to 4D रहता है। हाँ, आज हम लेंगे 4D। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन जो D है बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर, वो हम लेंगे 20 mm। तो ये जो थिकनेस रहता है बोल्ट हेड का वो रहता है 0.8D to D, हम लेंगे D, T = लेंगे हम D। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आर्क, ये है रेडियस चैम्फर का, जो रहता है 30 डिग्री का चैम्फर। हेक्सागोनल बोल्ट में 30 डिग्री का चैम्फर रहता है, उसका ये आर्क देख सकते हैं रेडियस, ये रहता है 1.5D। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थ्रेड जो है, थ्रेड कटे हुए ये दिखाए हमने यहाँ पे 2D, लेकिन ये 1.5D या फिर 1.25D ऐसा भी रह सकते हैं। ये डिपेंड अपन एप्लीकेशन पे रहते हैं, आप एप्लीकेशन पे डिपेंड रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ बोल्ट्स पे इतनी थ्रेडिंग रहती है, कुछ बोल्ट में उससे ज़्यादा रहती है, तो वो एप्लीकेशन के हिसाब से कम ज़्यादा रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में ये है कॉर्नर टू कॉर्नर का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक दिखाया है 1.555 साइज ऑफ एक्रॉस फ्लैट। एक्रॉस साइज ऑफ एक्रॉस फ्लैट का मतलब ये है फ्लैट एक, ये दूसरा फ्लैट, ये दोनों के डिस्टेंस को 1.555 करेंगे तो आएगा यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर का डिस्टेंस। लेकिन एज अ थंबनेल रूल हम ये लेंगे आज 2D, ये 2D भी ले सकते हैं। थंबनेल रूल मैंने बताया था पिछली वीडियो में, थंबनेल रूल ड्राइंग का एक रूल रहता है जिससे हमें सुटेबल डायमेंशन या फिर सुटेबल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं सिर्फ ड्राइंग पर्पज़ के लिए। और यहाँ से यहाँ तक जो एक्रॉस फ्लैट का डिस्टेंस दिखा है आप देख सकते हैं 1.5D प्लस 3 mm कहाँ रहता है, अगर बोल्ट डायमीटर 12 mm से ज़्यादा रहेगा तो। अगर बोल्ट डायमीटर 12 mm से कम रहेगा तो ये रहता है अक्रॉस फ्लैट का डिस्टेंस 1.25D प्लस 6 mm। और ड्राइंग पर्पज़ के लिए हम ये ले सकते हैं, 1.5D भी ले सकते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स यूज करके आज हम ड्रॉ करेंगे हेक्सागोनल हेड बोल्ट। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा ये सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट से मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन 90 डिग्री पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको राइट एंगल में एक लाइन निकल रहा हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी अभी। उसके बाद हमें ये निकलना है हेड का 2D का डिस्टेंस हम पहले निकालेंगे। तो मैंने बताया डी लेने वाले हम 20 mm, तो 2D का डिस्टेंस कितना आएगा, 2 × 20 40 mm। तो पहले हम 40 mm का जो डिस्टेंस है यहाँ से दोनों तरफ, यहाँ पे 20 mm, यहाँ पे 20 mm, ये दोनों लेने के बाद, ये लाइन तो मैं पहले डार्क करके लेता हूँ, हमें थिकनेस हेड का थिकनेस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि है 0.82D, यानी कि हम लेने वाले T = D 20 mm, तो वो आएगा 20 mm। तो मैं यहाँ पे 20 mm का डिस्टेंस लेता हूँ। इस लाइन को पैरेलल मैं एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ
वो करने के बाद यहाँ पे मैंने कट किया है, तो मैं वर्टिकल लाइन को पैरेलल लाइन पकड़ता हूँ सेंटर लाइन को, और ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ दोनों तरफ से, और बीच में जो हमारा डी है 20 mm, तो हम दोनों तरफ यहाँ पे 10 mm, यहाँ पे 10 mm, ये दो पॉइंट्स मारने के बाद ऊपर वो लाइन बढ़ाएंगे और इस तरह से बन जाएगा हमारा हेड। तो अभी हमें यहाँ पे दिखाना है चैम्फर, चैम्फर दिखाना है। तो सबसे पहले तो मैं चैम्फर की रेडियस निकाल के लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दिखाया आपको आर इज इक्वल टू 1.5 डी, यानी कि अगर हम 20 को 1.5 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 30 mm। तो मैं स्केल पर कंपास में 30 mm का डिस्टेंस लेता हूँ और यहाँ से नीचे एक पॉइंट लेता हूँ, वो पॉइंट जो रहेगा हमारा आर्क का सेंटर रहेगा, वहाँ से उतना ही 30 mm के डिस्टेंस का मैं ऊपर आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। या आर्क ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे भी चैम्फर निकालना है, यहाँ पे भी चैम्फर का आर्क, यहाँ पे भी निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो डिस्टेंस बचा है 10 mm का, वहाँ उसका सेंटर लेता हूँ, यहाँ पे मैं जो 10 mm डिस्टेंस बचा है उसका सेंटर लेता हूँ, और वर्टिकल लाइन को पैरेलल वहाँ से एक फेंट लाइन यहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ पे एक निकाल रहा हूँ फेंट लाइन। उसके बाद ये ध्यान से देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी प्रोसीजर है। अभी ये जो आर्क निकाला है मैं, ये आर्क निकाला है, वो आर्क को, आर्क के जो दोनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे, यहाँ पे पास करके ले रहा हूँ दोनों तरफ। ये पास करने के बाद मुझे ये एक पॉइंट मिल रहा है और ये एक पॉइंट पहले से मिला है। मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करने के बाद ये लाइन को बाइसेक करना है, बहुत ही छोटी लाइन है, पर बाइसेक करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उससे ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक कॉर्नर पे रखता हूँ मैं, और एक आर्क ऊपर मार रहा हूँ, एक आर्क नीचे मार रहा हूँ। उसके बाद दूसरे कॉर्नर पे रखता हूँ, एक आर्क ऊपर मारता हूँ और दूसरा आर्क नीचे मारता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये पॉइंट मिला एक, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिला, वो दोनों पॉइंट मैं इस तरह से ज्वाइन करता हूँ फेंट लाइन से, बिल्कुल फेंट लाइन से। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट रहेगा यहाँ के आर्क का सेंटर। तो मैं ये कंपास का एक नोक वहाँ पे रखूँगा, पेंसिल का नोक ऊपर के पॉइंट पे रखूँगा, और वहाँ से अगर मैं आर्क मारूँगा तो बिल्कुल यहाँ पे टच हो जाएगा। आप देख सकते हो, ये देखिए थोड़ा स्लिप हो रहा है छोटा डिस्टेंस छोटा होने के कारण। तो यहाँ से मैं वो आर्क ड्रॉ करूँगा। उतना करने के बाद यहाँ पे भी यही प्रोसीजर फॉलो करनी है, पर हम क्या करेंगे, हमारे पास तो इतना सेंटर तो मिल गया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो मिल गया, तो मैं वही डिस्टेंस लेता हूँ राउंडर में और यहाँ से यहाँ तक सीधा वो पास करके लेता हूँ, और ये करने के बाद सीधा मैं वो ये रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। वो करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी ये चैम्फर यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। चैम्फर तक के लिए क्या करेंगे, मैं प्रोट्रैक्टर लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। प्रोट्रैक्टर लेने के बाद 30 डिग्री का चैम्फर निकलना है, तो मैं यहाँ से लेफ्ट से ये 30 डिग्री का पॉइंट ले रहा हूँ, और ये जो पॉइंट मिलेगा ये मैच कर रहा हूँ इसी पॉइंट से, और सिर्फ यहाँ तक मैं चैम्फर दिखा रहा हूँ। फिर बाद में यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के राइट से मैं 30 डिग्री का पॉइंट ले रहा हूँ, और ये पॉइंट मैं यहाँ पे मैच कर रहा हूँ। मैच करने के बाद सिर्फ यहाँ तक मैं निकाल रहा हूँ चैम्फर। अभी चैम्फर मुझे यहाँ तक मिला और यहाँ तक मिला, ये जो दो पॉइंट मिले मैं यहाँ से यहाँ तक ये ज्वाइंट करके लेता हूँ। ये बन गया हमारा हेक्सागोनल हेड बोल्ट का हेड, बन गया हेक्सागोनल बोल्ट का। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हम लेने वाले हैं 4D। तो 4D का डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं, हाँ L, L कहते हैं इसको, L इज इक्वल टू 4D। तो L इज इक्वल टू 4D हम कैलकुलेट करेंगे तो 80 mm आ रहा है। तो मैं यहाँ से सीधा 80 mm का डिस्टेंस लेता हूँ, उसके बाद इस लाइन को पैरेलल में फेंट लाइन निकल रहा हूँ थोड़ा, और जो हमारा D है 20 mm, तो दोनों तरफ हम 10 mm का डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे तो हमने ले लिया है, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से सीधा।
सीधा यहाँ पे ये ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पे भी ये ज्वाइन हो जाएगा। ये करने के बाद हमें क्या करना है, थ्रेडिंग दिखानी है, जो कि थ्रेडिंग का थ्रेड कितना है, ये रहता है थ्रेड 0.8D, 0.8D। तो हम 0.8D कैलकुलेट करेंगे तो थ्रेड आएंगे 16 mm। तो दोनों तरफ से दो दो mm कट करेंगे, हम दो दो mm कट करेंगे, यहाँ पे 2 mm और यहाँ पे 2 mm। और हमने देखा यहाँ पे कि थ्रेड्स के हम लेंथ कितनी लेने वाले हैं, 2D, तो वो आएगा 2D 40 mm। तो 40 mm पे हम दूसरा एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे, और इस लाइन को पैरेलल में यहाँ पे कट कर रहा हूँ। और जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिया 2 mm का, यहाँ से मैं यहाँ तक ये थ्रेड दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये ज्वाइन कर रहा हूँ, ये बन गए हमारे थ्रेड्स। उसके बाद हम देख सकते हैं थ्रेड का एक स्टार्ट पॉइंट रहता है, एक एंड पॉइंट रहता है। अगर आपने मैन्युफैक्चर किए होंगे लेथ मशीन पे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखा है एंड पॉइंट। तो इसका डिस्टेंस रहता है 0.2D। तो 0.2 × D करेंगे तो आंसर आएगा 4 mm। तो यहाँ से मैं लेता हूँ 4 mm का डिस्टेंस, यहाँ पे भी मैं लेता हूँ 4 mm का डिस्टेंस, और सीधा यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। इतना होने के बाद हमें यहाँ पे निकालना है ये वाला चैम्फर, बॉटम वाला चैम्फर, उसका रेडियस है R=D, यानी कि 20 mm। तो फिर से मैं इसमें डिस्टेंस लेता हूँ 20 mm का, और 20 mm का डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से मैं नीचे पॉइंट ले रहा हूँ। ये पॉइंट से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये वाला चैम्फर का आर्क। ये बनाने के बाद ये जो पॉइंट्स मिलेंगे दोनों, ये हम यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा टोटल लेंथ है 4D, तो हम आर्क ऊपर तो नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हम ये आर्क 4D के लेंथ में ही बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा इस तरह से बोल्ट। ये बोल्ट बनाने के बाद हमें बनाना है इसका टॉप व्यू। तो क्या करेंगे हम, इसका टॉप व्यू बनाने के लिए इसके प्रोजेक्शन ऊपर लेंगे, या तो इसके प्रोजेक्शन लेंगे या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे। तो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसका प्रोजेक्शन फेंट पास कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसका प्रोजेक्शन फेंट पास कर रहा हूँ, ये भी प्रोजेक्शन में फेंट पास किया, ये भी पास किया। उसके बाद मैं देखता हूँ ये डिस्टेंस है हमारा 20 mm का, ये है हमारा 20 mm का डिस्टेंस। तो मैं ऊपर जाके एक सूटेबल पॉइंट ले रहा हूँ, और वो सूटेबल पॉइंट पे मैं ये टॉप का सर्कल पहले निकालूँगा, ये थोड़ा हमारा शिफ्ट हो गया सर्कल, तो मैं यहाँ से 20 mm का डिस्टेंस लेता हूँ, और एक सूटेबल पॉइंट से वो पहले सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी बराबर आ गया, ये सर्कल फेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये इरेज करना है, हमें सिर्फ हेक्सागोन निकालना है। तो मैं यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद जितना रेडियस हमने लिया था 20 mm का, जितना रेडियस था वही रेडियस से मैं देखो किस तरह से आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। एक आर्क ऐसा, ये पहला आर्क, उसके बाद ये दूसरा आर्क, ये तीसरा आर्क। अभी यहाँ से मैं कर रहा हूँ फिर से एक आर्क, यहाँ से दूसरा आर्क, और यहाँ से तीसरा आर्क, बराबर आ रहा है। अभी जो भी आर्क मारे हैं हमने, कट किए, वो सब ज्वाइन करेंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हम ये आर्क ज्वाइन करेंगे, बन जाएगा हमारा टॉप, बन जाएगा हेक्सागोनल हेड का। तो ये सब हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये बन गया हमारा टॉप। तो उसके बाद ये जो सर्कल है ये ड्रॉ कर इरेज करेंगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी हमें निकालना है चैम्फर जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। तो अभी टॉप में दिखे किस तरह निकालेंगे, सेंटर पे पॉइंट रखेंगे,
और एक जो रहेगा साइड उसका मैं सेंटर कहाँ पे भी ज्वाइन कर रहा हूँ सब देखूँगा पहले, चेक करके बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सभी साइड्स पे तो टच हो रहा है, तो हम ये निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से ये निकालेंगे। ये रहेगा चैम्फर का सर्कल इस तरह से। उसके बाद यह अंदर वाला बोल्ट है, ये बॉडी है बोल्ट का, वही सेंटर से वही डिस्टेंस लिया मैंने 10 mm का, और वही सेंटर से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी टॉप से देख रहे हैं ये बॉडी तो हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं ये डॉटेड निकाल रहा हूँ। ये सर्कल जो है मैं डॉटेड निकालता हूँ किस तरह से, आप देखिए जो पहले मैं प्रोफाइल निकाला उस पर मैं डॉट्स दिखा रहा हूँ। ये डॉट्स दिखाने के बाद हमें और एक सर्कल निकालना है, कौन सा वाला, ये थ्रेड वाला, क्योंकि थ्रेड से ये रूट टू रूट का डिस्टेंस रहेगा ना, ये रहेगा थ्रेड का क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ये रहेगा रूट टू रूट का डिस्टेंस। तो यहाँ से मैं ये डिस्टेंस लेता हूँ थ्रेड का, और यहाँ से मैं पहले तो एक फेंट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डॉटेड दिखाऊँगा। इस तरह से मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, और ये हमें पूरा नहीं करना है अंदर वाला सर्कल। क्यों पूरा नहीं करना है, आपने थ्रेड का सिंबल देखा रहेगा, एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल यहाँ पे हमें दिखाना है किस तरीके से। सिर्फ इतना ही हम अंदर वाला सर्कल सिर्फ इतना ही निकालेंगे, यहाँ पे हम उसको ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेड जब रहता है तो हम उसके अंदर ये इन थ्रेड्स निकालने वाले है, तो हमारे पास ये बोल्ट का ये बाहर का हिस्सा रहेगा, थ्रेड्स तो हम बाद में कट करने वाले हैं, तो ये इमेजनरी रहेगा, ये इमेजनरी है, तो इमेजनरी सर्कल है, इसलिए मैं ये अंदर का ब्रेक निकाला हूँ, ब्रेक सर्कल निकाला हूँ। ये रहता है एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल। ये दोनों हो गए हमारे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। उसके बाद हम निकालेंगे साइड व्यू। तो साइड व्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यही प्रोजेक्शन हमें निकालने हैं यहाँ पे, तो मैं एक सूटेबल डिस्टेंस ले रहा हूँ, यही सेंटर लाइन को मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यही डिस्टेंस पास करके ले रहा हूँ, यहाँ से ये डिस्टेंस पास किया, यहाँ से ये बॉटम वाला डिस्टेंस पास किया, ये थ्रेड का डिस्टेंस पास किया। यहाँ से तो मैं हम नहीं पास कर सकते, तो हम ये डिस्टेंस यहाँ से मेज़र करके लेंगे। तो अब ये सेंटर लाइन लेने के बाद एक मिनट, ये थोड़ा क्रॉस आया था तो इसका इसको सीधा करके लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से फ्लैट टू फ्लैट का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 33 आ रहा है बराबर, जो कि हमारा फॉर्मूला था 1.5D+3 बराबर 33 mm आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 33 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम तो क्या आएगा 16.5। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 16.5 का डिस्टेंस एक तरफ, और दूसरी तरफ ले रहा हूँ 33, यानी कि 16.5 को दोनों तरफ लेंगे। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ये हमें थिकनेस मिला है, इसको पैरेलल मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ, इसको इसको भी ऊपर बढ़ा रहा हूँ, ये भी मैं डार्क कर रहा हूँ। उसके बाद ये दोनों लाइंस जो कि हमने निकाले थे ये भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मिलेगा हमें साइड व्यू का हेड। उसके बाद हमारा बोल्ट का डायमीटर कितना है 20 mm, तो दोनों तरफ 10 mm के पॉइंट्स लेंगे, और उसी लाइन को पैरेलल हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, बॉटम तक, बॉटम तक बढ़ाया, ये यहाँ तक आया। अभी यहाँ पे मैंने दिखाया ये थ्रेड्स कितने थे हमारे, यहाँ पे 2 mm अंदर, यहाँ पे 2 mm अंदर, और यहाँ से निकालेंगे हम थ्रेड्स, यहाँ पे दिखाएंगे हम थ्रेड्स, यहाँ से इस तरह दिखाए हम थ्रेड्स। अभी यहाँ पे हमें निकालना है चैम्फर का सर्कल। अभी चैम्फर का सर्कल यहाँ पे निकालने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या है, R=D,
तो डी कौन सा रहेगा? ये वाला, यहाँ पे इतना ही डी है ना, तो इसका सेंटर पहले लेंगे हम, तो इसका सेंटर ये है टोटल 16.5, तो लगभग 8 और 9 के बीच में हम लेंगे ये पॉइंट सेंटर, यहाँ भी 8 और 9 के बीच में सर्कल पॉइंट लेंगे सेंटर, और सेंटर लाइन को पैरेलल एक फेंट लाइन निकालेंगे, यहाँ से भी एक फेंट लाइन निकालेंगे, और ये डी है हमारे पास कितना 16.5, वही डिस्टेंस हम इसी सेंटर लाइन पे लेंगे, इसी सेंटर लाइन पे लेंगे, और इस तरह से यहाँ पे हम निकालेंगे चैम्फर का सर्कल, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस लेंगे, इस ये देखो जॉइंट हो गया बराबर से, इस तरह से हम निकालेंगे चैम्फर का सर्कल। और उसके बाद हमें नीचे निकालना है, उसका भी आर इज इक्वल टू डी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम वाला आर इज इक्वल टू डी, लेकिन यहाँ पे डी कितना है हमारा, यहाँ पे डी है हमारा 20 mm है, कौन सा वाला, बोल्ट का, तो यहाँ पे 20 mm हम लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे मैं रखता हूँ, और यहाँ से ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ से मैं इस तरीके से वो आर्क निकालूंगा, और उसके बाद जैसा हमने यहाँ पे किया वैसा ही वो दोनों कॉर्नर्स हम ज्वाइन करके लेंगे, और उसके बाद बाहर का हिस्सा इरेज करेंगे, इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये बोल्ट। यहाँ पे भी हमें ये 4 mm यहाँ से लेना है ऊपर, यहाँ से 4 mm ऊपर लेना है, और वो यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये बन गया फ्रंट व्यू, ये बन गया टॉप व्यू, ये बन गया साइड व्यू। अब हम दिखाएंगे इसके डायमेंशंस, तो डायमेंशंस मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेने वाले हैं 2D, तो ये लिया है हमने 2D, यहाँ से यहाँ तक जो लिया हमने बोल्ट का डायमीटर वो लिया D, यहाँ से हमने जो आर्क ड्रॉ किया ये लिया हमने आर इज इक्वल टू 1.5 D, यहाँ हमने क्या लिया, चैम्फर लिया जो कि 30 डिग्री था, यहाँ था चैम्फर 30 डिग्री, उसके बाद यहाँ से थिकनेस लिया हमने टी इज इक्वल टू डी लिया थिकनेस, यहाँ पे हमने टोटल लेंथ लिया जो कि डिनोट करते हैं एल से, एल इज इक्वल टू 4D लिया, यहाँ पे हमने जो थ्रेड्स लिए थ्रेड्स का डिस्टेंस हमने लिया 2D, ये वेराइंग रहता है एप्लीकेशन के हिसाब से, कम ज़्यादा भी होता है, और ये जो डिस्टेंस था यहाँ से इतना ये है 0.2D, और ये रेडियस जो है ये रेडियस रहता है आर इज इक्वल टू डी, पर यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस रहता है, और यहाँ से जो आर रहता है ये रहता है आर इज इक्वल टू डी जो कि बोल्ट का डायमीटर रहता है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हमने लिया ये ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन ये कितना था 1.5 D + 3, यह है अक्रॉस फ्लैट का डिस्टेंस। इस तरीके से ये सब डायमेंशन यूज़ करके हमने निकाला है हेक्सागोनल हेड बोल्ट के 3 व्यू। अगर आपको ये 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सही से आएगा, बहुत ही सिंपल है। थैंक यू।